नमस्ते ऑल ऑफ यू, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ सोशल साइंस उदय सर। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड द सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एंड दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम क्लास 10th ज्योग्राफी एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। दिस इज द सेकेंड पार्ट। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन कौन ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच रॉक लाइमस्टोन इज फाउंड। किस रॉक में लाइमस्टोन पाया जाता है? तो इसका आंसर है सेडिमेंट्री रॉक। लाइमस्टोन इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक अर्थात अवसादी चट्टानों में लाइमस्टोन पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है फॉर विच इंडस्ट्री लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल। किस इंडस्ट्री के लिए लाइमस्टोन एक बेसिक रॉ मटेरियल है, आधारभूत रॉ मटेरियल है वो? तो उसका आंसर है फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। फॉर सीमेंट इंडस्ट्री लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉन्स्टेंट थ्रीट्स टू माइनर्स। जो माइनर्स हैं, जो माइन में काम करने वाले लोग हैं, उनको लगातार कौन सा खतरा बना रहता है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है The dust and noxious fumes inhaled by miners make them vulnerable to pulmonary disease. इसका अर्थ है कि धूल और हानिकारक धुओं को लगातार सांस लेने की वजह से यहाँ काम करने वाले मजदूरों को फेफड़ों से संबंधित बीमारियाँ हो जाती हैं और वे मजदूर फेफड़ों संबंधित बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। दूसरा है The risk of collapsing mines roofs. अर्थात खदानों की छतों के गिरने का डर हमेशा बना रहता है और वो इस रिस्क में जीते हैं। नेक्स्ट है द रिस्क ऑफ इनोडेशन एंड फायर्स इन कोल माइंस एरिया। कभी कभी क्या होता है कि खुदाई करते करते मजदूर नदियों के आसपास पहुंच जाते हैं और ऐसी स्थिति में नदियों का पानी माइंस में प्रवेश कर जाता है जिससे उनकी जान को खतरा बना रहता है और कभी कभी कोल माइंस में आग लग जाने की वजह से भी वो खतरे का शिकार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट आर द यूजेस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज के यूज क्या क्या हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। एनर्जी इज यूज्ड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट, टू प्रोपेल व्हीकल्स एंड टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्री। एनर्जी का इस्तेमाल हम करते हैं, आप सब जानते हैं इसके बारे में, तो आइए इसको ही देखते हैं। एनर्जी का इस्तेमाल हम करते हैं खाना बनाने के लिए, हीट के लिए और लाइट के लिए, अर्थात प्रकाश के लिए और उष्मा के लिए। और किसके लिए करते हैं? वाहनों को चलाने के लिए और मशीनरीज को चलाने के लिए इंडस्ट्रीज में। इन सभी कामों में हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग रूपों में एनर्जी हमें ये सारी सुविधाएँ प्रोवाइड कराती हैं। अगला प्रश्न है हाउ कैन बी एनर्जी जनरेटेड। एनर्जी कैसे उत्पन्न होती है, ऊर्जा कैसे उत्पन्न हो सकती है? तो इसका आंसर है फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी को जनरेट करने के लिए, ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए हम मुख्य रूप से ईंधन खनिजों का प्रयोग करते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम या बिजली से भी हम एनर्जी को जनरेट करते हैं, तो आप इसका याद रखें। अगला प्रश्न है विच एनर्जी रिसोर्सेज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रूरल इंडिया। हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से किस तरह के एनर्जी रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है फायरवुड एंड कैटल डंग केक आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से क्या प्रयोग होता है? वह है लकड़ी और कैटल डंग केक, जो मवेशी होते हैं, पशुओं के गोबर के केक बनते हैं जिसको उपला कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम दिया गया इसको, तो इसे एक उपला भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं भारत के, उसमें लकड़ी या उपले का प्रयोग बहुतायत रूप में लोग करते हैं। अगला प्रश्न है नेम द लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। सबसे लो क्वालिटी का कोल कौन सा है? तो इसका आंसर है पीट इज द लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। पीट जो है
वह सबसे निम्न स्तर का कोयला होता है, आप याद रखें इसको। दलदलों में क्षय होते जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनसे पीट उत्पन्न होता है और इसमें कार्बन भी कम होता है और नमी की मात्रा इसमें बहुत अधिक होती है और इसमें ताप की क्षमता बहुत निम्न होती है, इसलिए यह सबसे लो क्वालिटी का कोयला माना जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय लिग्नाइट? लिग्नाइट से आप क्या समझते हैं? इट इज ए लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट। यह भी एक लो ग्रेड का कोयला होता है जिसका रंग भूरा होता है। यह सॉफ्ट होने के साथ साथ बहुत अधिक नमी से भरा होता है। यह कोयला, यह जो लिग्नाइट है, यह तमिलनाडु के नवेली में मिलता है और विद्युत उत्पादन में, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, वेयर इज द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स फाउंड इन इंडिया? भारत में मुख्य रूप से लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है? अभी मैंने आपको इसका आंसर दिया, आइए देखते हैं। बिल्कुल वही आंसर है, दीज रिजर्व्स आर फाउंड इन नेवेली इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के नेवेली में यह लिग्नाइट कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है, इसका भंडार। अगला प्रश्न देखते हैं, विच इज द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल? कोयले की सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी होती है? आप इसको जरूर याद रखें, आपके एग्जाम में कभी कभी ये प्रश्न आता है। तो इसका आंसर है कि एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा माना जाता है। यह जो कोयला है, यह सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है और इसको सबसे अच्छा माना गया है। जब कोयले की चर्चा हो रही है तो आप एक बात और जान जाएं, बिटुमिनस भी एक कोयले का प्रकार है और इसका सबसे अधिक होता है वाणिज्यिक प्रयोग। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फॉर विच इंडस्ट्री पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज ए नोडल इंडस्ट्री? इसका आंसर है, फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो होती हैं वह सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अर्थात संश्लेषित वस्त्र उद्योग के लिए, फर्टिलाइजर के लिए अर्थात उर्वरक के लिए एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री और कई तरह के केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, रसायन उद्योगों के लिए एक नोडल इंडस्ट्री के रूप में काम करती है। अगला प्रश्न है, विच एनर्जी रिसोर्स इज गेनिंग वाइड पॉपुलरिटी इन द कंट्री? कौन सा एनर्जी रिसोर्स ऐसा है जो भारत में बहुत अधिक लोकप्रिय हो रहा है, जो देश में अधिक लोकप्रिय हो रहा है? तो वह है, उसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अर्थात CNG फॉर व्हीकल्स टू रिप्लेस लिक्विड फ्यूल्स इज गेनिंग वाइड पॉपुलरिटी इन द कंट्री। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, जिसे हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है, यह वाहनों को चलाने के लिए जो तरल फ्यूल्स हैं उसकी जगह पर अधिक प्रयोग हो रहा है और यह अधिक लोकप्रिय हो रहा है। अगला प्रश्न है, कंजम्पशन ऑफ विच एनर्जी रिसोर्स इज कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट? अर्थात ऊर्जा के किस संसाधन का प्रयोग विकास का सूचकांक माना जाता है? तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है इलेक्ट्रिसिटी। आधुनिक विश्व में इलेक्ट्रिसिटी का इतना अधिक प्रयोग हो रहा है कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। अगला प्रश्न है, हाउ इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है अर्थात जल विद्युत, जो पानी से बिजली बनती है, जल विद्युत जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? तो इसका आंसर है, बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत तीव्र गति से चलने वाले जो पानी के स्रोत हैं उस प्रवाही जल से हाइड्रो टर्बाइन चला करके और उसके बाद विद्युत उत्पन्न करते हैं, बिजली को जनरेट करते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ इज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड? कैसे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी अर्थात ताप विद्युत कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो इसका आंसर है, बाय बर्निंग फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू ड्राइव टर्बाइंस टू प्रोड्यूस थर्मल पावर। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ईंधन को जलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और उसको जला करके हम टर्बाइन को चलाते हैं और टर्बाइन के चलने से विद्युत उत्पन्न होती है,
जिसे हम ताप विद्युत या थर्मल पावर कहते हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे भी आपको ऐसे ही प्रश्न और उत्तर मिलते रहेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। अगले वीडियो को वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।